तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मुजफ्फरनगर जिले के चंदनपुर फार्म हाउस पर। यहाँ पे देखिए, हम आपको कुछ ऐसा करिश्मा दिखाने वाले हैं आज जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये है, देखिएगा, ये चंदनपुर के फार्म हाउस पे अदृश्य शक्ति, कहते हैं कि लोग भगवान के करिश्मे कभी कभी दिखाई देते हैं। आज हम एक ऐसा ही करिश्मा आपको दिखाने वाले है। ये देखिएगा भाई साहब, इधर कैमरा इधर लगाइएगा एक बार। ये ऑटोमेटिक यहाँ से पानी निकल रहा है भाई साहब, जमीन से। यहाँ पे ना कोई टंकी है ना कोई मोटर लगी हुई है, और ये भगवान का करिश्मा कहिएगा कि इस तरह से पानी कभी कभी नजर आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाइयों, ऐसा करिश्मा कभी कभी कुछ ही जगह पे दिखाई देता है, और ये एक प्राकृतिक करिश्मा है जो बहुत कम दिखाई देता है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सामने से, और ऐसे करिश्मे ये ऊपर वाले की एक देन होती है, मैंने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आप देख सकते हैं भाइयों, ये देखो ऐसा करिश्मा आप देख रहे हैं। ये एक बोरवेल है, यहाँ से पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है, ना कोई मोटर है ना कोई तार है ना खंबा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पानी ऑटोमेटिक चल रहा है। और इसकी स्पीड इतनी है कि ये एक 8 इंची पाइप से ज्यादा पानी निकल रहा है। और ये करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा, इसे आपने भी शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए खैर, मिलते हैं इसी गांव के कुछ लोगों से, आइए जानकारी करते हैं, जुटाते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी। ये गांव के कुछ लोग हैं, एक मिनट भाई साहब रुकिएगा। तो ये जो यहाँ पे पानी चल रहा है ऑटोमेटिकली, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बताना चाहेंगे। ये सर, ये पानी है ना 40 साल हो गए सर, बराबर ऐसी बराबर चलता है, 8 इंची पाइप लगा हुआ है। क्या ये पूरे मतलब 40 साल से ऐसे ही चल रहा है बराबर? बराबर रात दिन ऐसे ही। तो क्या इस पानी में कभी कमी नहीं आई? नहीं, कोई कमी नहीं, और शुद्धता आती है इसमें ज्यादा। मतलब जैसे इसी स्पीड से चल रहा है ये, ऐसे इसी स्पीड से चल रहा है लगातार ऐसी स्पीड से। तो आप बताइए भाई साहब इसके बारे में, ये कितना हेक्टेयर पानी भर सकता है एक रात में? ये कम से कम हेक्टेयर तो मैं बता नहीं सकता आपको, रात में मिनिमम 10 बीघे से ज्यादा खेत भर पाता है। यानी 10 बीघे खेत को भर सकता है एक रात में। और तो यहाँ के लोगों को तो इससे बहुत सारा फायदा हो रहा होगा। हाँ जी, फायदा तो खैर पानी से तो फायदा होता ही है, लेकिन थोड़ी समस्या भी बनती है, ये रात दिन चलता रहता है और निकासी के लिए भी बहुत दिक्कत हो गया है। तो यहाँ पे पानी निकलने के लिए कोई एक्स्ट्रा साधन नहीं है? कहाँ जाता है इसका एक्स्ट्रा पानी? निकलने का साधन है, एक नाला है, उसमें जाके ये पानी ज्वाइंट हो रहा, तो वहां से सप्लाई हो रहा है। तो ये जो पानी निकल रहा है, इसका ग्रामीण वासियों को भी कुछ लाभ होता है या ऐसे ही एक्स्ट्रा बहाव होता जा रहा है? देखो जी, ग्राम वासियों को इसका फायदा तो बहुत है, ऐसा हो जाए खेत खाती भरने पड़ जाए, इससे भर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक बात और आपको बता रहा है, ये पानी पीने के बहुत योग्य है, बहुत अच्छा लगता है पानी पीने में भी, और लोग इस पर नहाते भी हैं, बहुत ज़्यादा नहाते हैं। आप कभी नहाए हैं इस पानी पे? शायद मैं तो अब तक नहीं नहा। आप? नहीं, हम तो डेली का हमारा यही काम है, हमारे डंगर भी यहीं नहाते हैं, हम पीने के लिए भी यहीं से ले जाते हैं पानी, जो वो होता है ना, क्या नाम, अरे वो, हाँ हाँ बताइए, बाल्टी, अरे बाल्टी नहीं होता, जो ठंडा करने का, क्या हो, फ्रीज से भी ठंडा पानी इसका। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि इस बोरवेल का पानी इतना ठंडा है कि फ्रीज को भी फैल कर देता है? पूरे गांव में फ्रीज नहीं है, इसका पानी इतना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से, इन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो बोरवेल का पानी चल रहा है, ये पिछले 40 वर्ष से आप बता रहे हैं कि बराबर चल रहा है, तो इसका कोई दूसरा सिस्टम भी है या ये अकेला ही है यहाँ पे? नहीं, वैसे ऐसे ऐसे बोरिंग है ना यहाँ, कई सारे बोरिंग है, तो ये बराबर ऐसी, बल्कि यो है 40 साल से, मैं 20-25 साल से है, जो बाकी है 2-3 बोरिंग है ऐसी जो बराबर पानी ऐसे ही निकालते हैं, वे 6 इंची के। अच्छा, ये कितने इंची का है? ये तो बड़ी खुशी हुई, आगे की जानकारी जुटाने के लिए पहुंचते हैं इन ताऊ जी के पास में। तो आइए अभी ताऊ जी से कुछ जानकारी ले लेते हैं इस बारे में। हाँ ताऊ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक। तो ताऊ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? भैंस चुगा रहे हैं। ये भैंसे सब आपकी हैं? अच्छा, जैसे कि आप यहाँ भैंसे चुगा रहे हो, तो इन्हें पानी वानी पिलाने के लिए आप इस बोरवेल का इस्तेमाल करते हो? इसी में ही पीते हैं? पानी कैसा है इसका? बढ़िया पानी, अच्छा है। आप भी पीते हो? सब पिया। कभी नहाए हो इस पानी में आप? खूब।
अच्छा जैसे आप पानी पिलाते हैं जानवरों को, आप भी नहाते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट कुछ होता है ऐसा? कोई नहीं, बढ़िया पानी है। कोई नुकसान तो नहीं है ना? जैसा भूख ना लगती हो वैसा भूख लगने लगा इस पानी को पीने से। अभी जैसे कि ताऊ जी बता रहे हैं कि जिस भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो खाने की पीने की, भूख ना लगती हो, तो इस पानी को पी लेने से उनको भूख लगने लग जाती है। तो इसका एक रीजन और भी है कि ये एक दवाई का काम भी कर रहा है, क्योंकि एक प्राकृतिक चीज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छी चीज है। तो आइए अब भाई देखिएगा, हम आ चुके हैं इनके पास ही, यहाँ के कुछ लोग इसका पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ का जैसे आपने ये पानी पिया है, इस्तेमाल किया है, तो इसे पी के आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो जी यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है और बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही मीठा पानी है, बहुत अच्छा लगा पीने में। आप भी पीकर देख सकते हो। चलिए खैर हम तो पी के देख ही लेंगे, बाकी यहाँ के पानी में बताया गया है कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ के पानी पी के कोई बीमार नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल बीमार नहीं होता, बिल्कुल एकदम शुद्ध पानी है यहाँ का। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत। तो दोस्तों ये था यहाँ का चंदनपुर फार्म हाउस से हम आए थे, यहाँ पानी का जो हमने सिस्टम बताया है ये देखिएगा आप भी, बहुत अच्छा सिस्टम था। और भाइयों आगे ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे यादव 420 चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें।